हम लोग आ जाए हैं छतरपुर मंदिर, और चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा ब्लॉग अच्छे से, तो आप लोग इंजॉय करिएगा। अरे यहाँ तो ये देखिए, ये है हमारा छतरपुर मंदिर। तो हम लोग एक्चुअली पता है क्या, दरअसल हम लोग किसी और काम से बाहर निकले थे, और वो काम करने के बाद हमने सोचा कि चलिए छतरपुर मंदिर भी घूम लेते, क्योंकि हमने बहुत पहले आए थे, मतलब हो गया है काफ़ी टाइम हो गया है। फिर उसके बाद आज हमने फाइनली मूड बनाया और हम पहुँच गए। कहते हैं ना, जब भगवान को बुलाना होता है तो टाइम वाइम कुछ नहीं देखते, हम पहुँच जाते हैं बस। ठीक है, तो ये देखिए, और अभी मैं आपको दर्शन कराती हूँ माता जी के और शिव जी के। तो ये देखिए, ये हमारे शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी भी हैं। तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मंदिर। और यहाँ पे मैं पहुँचती हूँ क्योंकि दूर पड़ता है, इसलिए जल्दी जल्दी हम नहीं पहुँच पाते। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे क्या नाम है, बोल रहे ना, यहाँ पे माता रानी का रहन सहन है, कैसे रहती थी, और आपको चलिए आगे भी दिखाते हैं। तो ये देखिए, तो मैं आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो ये है माता रानी का कक्ष, जहाँ पे माता रानी अपना विश्राम करती थी, उनका श्रृंगार हो गया, खाने का टेबल्स हो गया, तो आप देख सकते हैं। और ये हमारे नागपाल बाबा हैं, ठीक है। तो ये माता रानी का ये आसन है जहाँ पे वो विश्राम करती है, और वहाँ पे माता रानी जहाँ पे अपना श्रृंगार करती थी, और ये हमारे नागपाल बाबा हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा का पूरा मंदिर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ किस तरीके का है कि मैं आपको ऊपर से नीचे तक दिखा रही हूँ। बहुत यहाँ पे बहुत बड़ा ही मंदिर है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे कीर्तन वगैरह जागरण होते हैं। तो मैं बता दूँ, मंदिर काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है, मैं आप लोगों को बैक करके दिखाती हूँ। तो देखिए, पता है यहाँ पे जब हम वीडियो बना रहे थे तो यहाँ पे गार्ड अंकल चिल्लाने लगे थे, क्योंकि वीडियो बनाना मना है, और मुझे तो पता ही नहीं था, तो मैं बनाने लगी थी। और फिर हम मंदिर से आगे बाहर, तो यहाँ पर ये मन्नत का धागा बांधा जाता है, चुन्नी बांधी जाती है। तो आप लोग भी कभी आए तो ज़रूर बांधना, क्योंकि यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पर जो कोई बांधता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। और वहाँ पे गार्डन का चिल्ला देते तो हम लोग फटाफट निकल के आ गए। तो ये मेरी मम्मी हैं, तो इन्होंने भी मन्नत का धागा बांधा है, और ये फाइनली हम वापस पहुँच रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। तो ये देखिए, मेरे को बीच में फंसा दिया इन लोगों ने। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताना।